इसमें एक स्टील की घंटी होती है जिसे गोंग कहा जाता है। एक विद्युत चुंबक होता है। इस विद्युत चुंबक में तांबे के तार पर विद्युत रोधी पदार्थ की पतली परत चढ़ाकर एक बॉबिन पर लपेटा जाता है और फिर इसमें एक लोहे का कोर डाल दिया जाता है। विद्युत चुंबक के ठीक सामने एक लोहे की पट्टी होती है जो एक तरफ लचीले तांबे की पट्टी से जुड़ी होती है और दूसरी ओर एक छोटे से हथौड़े से जुड़ी होती है। तांबे की पट्टी का एक सिरा फ्रेम में कस दिया जाता है। इस पट्टी के ठीक सामने एक स्क्रू होता है जो इस पट्टी के कॉन्टैक्ट में रहता है। विद्युत चुंबक के एक तार को सीधे बैटरी से जोड़ा जाता है जबकि दूसरा सिरा तांबे की पट्टी से जुड़ा होता है। स्क्रू के एक तार को एक स्विच से होकर बैटरी से जोड़ा जाता है। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है वैसे ही स्क्रू और तांबे की पट्टी से होकर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण आ जाता है और यह लोहे की पट्टी को अपनी ओर खींच लेता है। हथौड़ा घंटी पर चोट करता है और घंटी बजती है, लेकिन इस क्रम में स्क्रू और तांबे की पट्टी का कॉन्टैक्ट टूट जाता है और विद्युत परिपथ बीच से कट जाता है। विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है और लोहे की पट्टी को छोड़ देता है। चूंकि तांबे की पट्टी लचीली होती है तो यह अपनी पुरानी स्थिति वापस पा लेती है और लोहे की पट्टी को वापस खींच लेती है। इससे स्क्रू और पट्टी के बीच का संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है और परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। विद्युत चुंबक दोबारा लोहे की पट्टी को खींच लेता है और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इससे घंटी लगातार अपने आप बजती रहती है।